गेम ऑफ थ्रोन सीरीज तब आई थी जब नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स जो वो एचबीओ ने प्रोड्यूस की थी और वो दुनिया की अब तक सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज है और दुनिया के सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है। अब बहुत से लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखी होगी और चाहते हैं कि वैसी कोई और एक सीरीज देखने मिले, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज लाया हूं जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाएगा। हालांकि इन सीरीज को हम गेम ऑफ थ्रोन्स की लिस्ट में नहीं रख सकते क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स गेम ऑफ थ्रोन्स है जिसके अंदर सब कुछ है, बट ये जो मैं सीरीज आपको बताने वाला हूँ वो सीरीज भी आपका टाइम जो अच्छा खासा स्पेंड करेगी। अगर आपको उस टाइप वाली सीरीज पसंद है तो ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर वन पे आती है रोम। अगर आपको रोमन एम्पायर के बारे में अगर जानना है या फिर रोमन एम्पायर की सीरीज अगर आपको देखनी है तो ये एक बेस्ट सीरीज है। अगर इस सीरीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज का फर्स्ट सीजन जो वो 2005 में आया था, यानी कि ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइप का ही, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के साल की सीरीज है। सीरीज के अंदर दो सोल्जर्स को दिखाया गया जो अपने रोमन एम्पायर को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वो किस तरीके से अपने रोमन एम्पायर को बचाते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज के अंदर भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो में इतना कवर नहीं कर सकता, जिस तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स में भी जैसे पॉलिटिक्स है या फिर अपने भाई भाइयों को मारा जाता है या फिर जिस तरीके से दुश्मनी दिखाई गई है उस तरीके से में भी है, तो ये सीरीज भी आपको काफी अच्छी खासी पसंद आ सकती है। ये सीरीज भी आपको गेम ऑफ थ्रोन जैसा फीलिंग जरूर दिलाएगी, तो एक बार जाकर इस सीरीज को जरूर देखना। नेक्स्ट सीरीज आती है कार्निवल रॉ। इस सीरीज की कहानी जो वो आपको एक अलग ही वर्ल्ड में लेकर जाएगी जहाँ पे वेलिस के ऊपर जो वो ह्यूमन का राज चल रहा था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की मिस्टीरियस लाइफ के पीछे भी एक मिस्ट्री होती है और उन्हीं सारी मिस्ट्रीज को इस सीरीज के अंदर रिवील करते हुए दिखाया गया है। और ये सीरीज जो वो उन लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जिन्हें फैंटेसी या फिर एडवेंचर जैसे वाली फिल्में पसंद आती है या फिर सीरीज पसंद आती है। और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन जो वो 2019 में रिलीज किया गया था जहाँ पे लोगों ने इस सीरीज को भी जो है काफी पसंद किया। नेक्स्ट सीरीज आती है वॉरियर। ये जो वो गेम ऑफ थ्रोन से काफी अलग है। इस सीरीज का पहला सीजन जो वो 2019 में रिलीज किया गया था। सीरीज के अंदर सैम नाम के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जो कि एक मार्शल आर्ट फाइटर है, लेकिन वो अपने फाइटर के जोर पे किसी भी तरह से अपना राजत्व यानी कि अपनी हुकूमत जो है वो कायम करना चाहता है और वही सब कुछ जो वो सैन फ्रांसिस्को में करना चाहता है, जो कि आखिर तक कर पाता है या नहीं और वो किस तरीके से अपना वर्चस्व वहाँ पे कायम करने की कोशिश करता है यही इस सीरीज में दिखाया गया है। और वो किस तरीके से करता है ये भी जानने के लिए आपको इस सीरीज देखनी होगी। अब इस सीरीज का मेन मोटो तो ये है कि इस सीरीज के अंदर दिखाया गया सैम नाम का कैरेक्टर किस तरीके से अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखता है और वो आखिर तक रख भी लेता है, ये भी इस सीरीज का एक मेन मोटो है। अब नेक्स्ट सीरीज आती है द विचर। अब ये सीरीज जो है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है जिन लोगों को फैंटेसी और एक्शन वाली फिल्में या फिर सीरीज पसंद है। और इस सीरीज का भी फर्स्ट सीजन जो है वो 2019 में रिलीज किया गया था और ये सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पे आपको हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज के अंदर विचर नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि पैसे लेकर डेमोन को हंट करता है, लेकिन यहाँ पे विचर की भी एक डेस्टिनी है और वो किस तरीके से डेस्टिनी तक पहुंचने की कोशिश करता है यही सीरीज की कहानी है। और वो जिस तरीके से अपने डेस्टिनी तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसकी जो कुछ जर्नी है यही सीरीज में दिखाई गई है। और जैसे जैसे इस सीरीज का एक एक एपिसोड खत्म होता है ना, आपको आगे क्या होगा ये जानने की इच्छा होने लगती है, यानी कि ये सीरीज देखते वक्त भी आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट सीरीज आती है शेरलॉक। इस सीरीज का इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है कि शेरलॉक कौन था। इस सीरीज की कहानी भी जो वो क्राइम और सस्पेंस और दिखाया गया इन्वेस्टिगेशन पे है और ये सीरीज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मिस्टीरियस क्राइम वाली सीरीज देखना पसंद है। और इस सीरीज का जो वो फर्स्ट सीजन रिलीज किया गया था 2010 में और इस सीरीज के टोटल 4 सीजन जो वो रिलीज किए गए थे जो कि एक से एक बढ़कर है। अगर सीरीज की कहानी की बात करें तो शेरलॉक होम्स जो वो हर एक सीजन में एक मिस्टीरियस केस जो वो सॉल्व करता है, लेकिन यहाँ पे उनके केस को सॉल्व करने का अंदाज जो वो काफी अलग होता है और यही उनका अंदाज जो वो लोगों को काफी पसंद आता है। अब बस इसी वजह से शेरलॉक होम्स सीरीज जो वो क्राइम की दुनिया में या फिर इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है।